जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम बात करने वाले इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की वैकेंसीज के बारे में। जैसा आप सभी लोगों को पता हो कि आप सभी लोगों को जो वैकेंसीज है वो आ चुकी है और आप लोगों को उसमें IPO यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर मांगा जा रहा है, यानी कि जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये फीस देने होंगे। तो जो 50 रुपये फीस दिए जाएंगे वो आप लोगों का इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप सभी लोगों को फीस देना होगा। तो आज के हम वीडियो में इसी बात करेंगे, आप सभी लोग अपना इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैसे भरेंगे, कैसे आपको ये मिलने वाली है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों का कैसे बनना है पोस्टल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इसमें बताने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है आपके पोस्ट ऑफिस में मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में, उनसे बोलना है कि हमें सर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए। तो देखिए, हमारे पास 20 रुपये का था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को 50 रुपये के लेने होंगे, ठीक है। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए, या आपके पास 50 का नहीं हो पाता तो आप 10-10 का भी ले सकते हैं, यानी कि मिला जुला के 50 रुपये का होना चाहिए। लेकिन आपका 10-10 का लेते हैं तो फॉर्म में आपको जगह नहीं बनती है उसको लिखने के लिए। तो आप हो सके तो कोशिश करिए कि आप सभी लोग अपना जो पोस्टल ऑर्डर है वो 50 रुपये का ही मिले, ठीक है। यदि नहीं मिलता है तो आप 10-10 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर मांगेंगे तो आपको ये जो पोस्टल ऑर्डर है दे देगा, तो वहाँ से आप उसको मिल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से आप अपना जो पोस्टल ऑर्डर भरेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों का जो फीस पेमेंट देने हैं, आप देख पाएंगे फीस, वो आप लोगों को 50 रुपये देने होंगे IPO के माध्यम से, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है IPO का फॉर्म होता है, यानी 50 रुपये फीस देने होंगे, जिसमें बताया गया है कि द फेवर ऑफ द, यानी किसके फेवर में देना है, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फेवर में आप सभी लोगों को 50 रुपये फीस देने होंगे। इन्होंने कहा है कि जो SC ST OBC PH एंड एक्स सर्विसमैन EWS कैंडिडेट हैं उनको नहीं देने होंगे, यानी कि जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये फीस देने होंगे। तो जो फेवर है आप इसको देख पाएंगे, यानी 50 रुपये सभी लोगों को देना होगा। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आप सभी लोग अपना जो पोस्टल ऑर्डर भरेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा पोस्टल ऑर्डर है, तो हमने इसको भर लिया हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपका पोस्टल ऑर्डर मिलेगा। पोस्टल ऑर्डर मिलने के बाद यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ता है P2, यानी P2 के सामने आप क्या भरेंगे। P2 के सामने आप सभी लोग कमांडर इंडियन मिलिट्री एकेडमी भरना रहेगा। तो P2 के सामने आप सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को लिख लीजिए, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया कि किसके फेवर में देना होगा, यहाँ पर एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं द फेवर ऑफ, यहाँ सब कुछ निकला, आपको लिखना कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आपको बस यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब देहरादून कहाँ लिखना, मैं आपको उस चीज़ को दिखाने वाला हूँ। तो जो देहरादून आप सभी लोगों को लिखना होगा वो आप लोगों किस ऑफिस में, यानी किस डाकघर में आधा होगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा देहरादून, यानी क्या एट द पोस्ट ऑफिस एट, यानी किस डाकघर में अदा होगा। तो यहाँ पर आपको देहरादून लिखना होगा, यहाँ पर आपको देहरादून नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको नीचे जो है यहाँ पर आपको देहरादून लिखना होगा, ऊपर बस आपको कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही लिखना है, नीचे यहाँ पर किस डाकघर में अदा होगा इसको आपको यहाँ पर देहरादून लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आते हैं राइट साइड में, यहाँ पर लिखा गया प्रेषक का नाम व पता यहाँ पर लिखा होना चाहिए, यानी कि आपका नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, यानी यहाँ पर विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ यहाँ पर आप लिख दीजिए, यानी कि अपना नाम और पूरा एड्रेस आप सभी लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जब पोस्टल ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पर आपको ये मुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि जो आपको लेफ्ट वाला है इसको आपको फाड़ के रख लेना है और राइट वाले को आपको फॉर्म के साथ भेजना होगा। तो देखिए, इस वाले कॉलम में भी आप सभी लोगों को भरना होगा, यहाँ पर आपको P2 के सामने यहाँ पर वही चीज़ें लिखनी होंगी जो कमांडर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, यहाँ भी आपको लिख देना है। उसके बाद किस डाकघर में अदा होगा इसको लिख देना है, देहरादून में होगा। और आप भेजने की जो तिथि है या जारी जो तिथि है, यानी कि जब आप पोस्टल ऑर्डर लेते हैं तो कौन सा डेट था आपका भेज रहे हो, तो उसको आपको लिख देना, 21/11/2021 जो भी आपका डेट रहेगा उसको आपको लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अपना जो पोस्टल ऑर्डर है वो भरने रहेंगे। आप सभी लोगों को जो OBC हैं और जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हीं को पोस्टल ऑर्डर भरने हैं, अन्य किसी और कैंडिडेट जो भी हैं कैटेगरी के हैं उनको पोस्टल ऑर्डर नहीं भरने होंगे। तो आप सब लोगों को इस तरीके से भरना रहेगा। तो देखिए, आप लोगों का फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म, इसकी जो लास्ट डेट है आपके 3 जनवरी 2022 रहने वाली है। तो आप सभी लोग अपना जो फॉर्म है अच्छे तरीके से भर लीजिए, कोई गलती ना हो पाए। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोग को बताएं कि किस तरीके से आप अपना पोस्टल ऑर्डर भरेंगे। आगे आपको वीडियो सारे मिलते रहेंगे, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, एनवेलप कैसे भरना, सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।